नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज़। मधेपुरा लाइव न्यूज़ वो सारी खबरें आप तक, कोरोना वायरस की जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहा है और लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है, कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश इस वक्त काफ़ी परेशान है। पूरी जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका खासा असर अब हर जगह दिखने लगा है। कहीं ना कहीं अब जो इलाज कर रहे डॉक्टर उस पर भी अब इसका जो असर है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। आप सबको पता है, कोरोना वायरस के जो इलाज कर रहे जो मरीज़ हैं उन पर भी, जो इनके जो डॉक्टर हैं उन, वो भी कहीं ना कहीं अब इसके संक्रमित हो रहे हैं और कई डॉक्टरों की तो अब तक जान भी जा चुकी है। जान जाने के बावजूद जो डॉक्टरों की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारी को लगातार वो निभा रहे हैं और मरीज़ों के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से सलूक करते हुए उनका इलाज कर रहे हैं। इस संबंध में हमने ज़िले के कई डॉक्टरों से बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लॉकडाउन में पहले तो OPD सेवा बंद थी, लेकिन शनिवार से, पिछले शनिवार दो दिन पहले से, सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने OPD सेवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिविजनल हॉस्पिटल उदा किशनगंज में शुरू किए हैं। तो जैसा मार्गदर्शन था उसके अनुसार, उसी गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों ने हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए OPD की सेवा प्रदान कर रहे हैं। और चूंकि मरीजों को आने में कठिनाई हो रही है, अभी लॉकडाउन पीरियड पूरा तरह से रिलैक्स नहीं है, तो लोग आ रहे हैं और अच्छा ही है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आ रहे हैं। धीरे धीरे आने से क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी उन लोगों में मेंटेन हो रहा है और हम लोग के यहाँ ट्रीटमेंट में भी मेंटेन हो रहा है। कठिनाई है, कठिनाई को सामना करना ही पड़ता है डॉक्टर को, चाहे जो भी परिस्थिति हो। महामारी के समय में और दायित्व बढ़ जाती है, तो सभी लोग अपना मास्क लगाकर, ग्लव्स पहन करके, डिस्टेंस मेंटेन करके मरीजों के साथ इलाज कर रहे हैं। और आगे हो सकता है कि मरीज़ की संख्या बढ़ेगी तो हम लोगों को और केयरफुल रहना पड़ेगा। सर, अभी कितने मरीज हैं जांच? OPD से आज का सूचना तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन शनिवार को 75 मरीज, चूँकि फर्स्ट डे था, अभी लोगों को मालूम नहीं है कि OPD शुरू हुआ, तो 75 मरीज यहाँ देखे गए थे और 11 मरीज उदा किशनगंज में देखे गए थे। आपकी तरफ से सर क्या किया जा रहा है, क्या आदेश? हम लोगों की तरफ से बस सरकार के जो भी निर्देश है उसके अनुसार अभी पूरे ज़िले में, बल्कि सभी ज़िलों में होगा, जो विदेश से आए हुए लोग हैं जिस गांव के, उन गांवों का पूरा सर्वे हो रहा है कि उन गांवों में संभव है कि लोग कांटेक्ट में आए होंगे, इसलिए उनका दल बनाकर दो दो सदस्य का हम लोग घर घर जा कर के उसको जानकारी कर रहे हैं कि कोरोना से संभावित लक्षण, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ़ यदि किसी में है तो वैसे लोगों को चिन्हित करकर, मेडिकल टीम द्वारा जांच कराकर, और जो सिम्टोमेटिक मरीज हैं, संदिग्ध हैं, उनका लेबोरेटरी टेस्ट कलेक्शन करके और तब उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में सर कितने मरीज हैं अभी? क्वारंटाइन सेंटर हर PSC में, हर ब्लॉक में बनाए गए हैं अपने अपने आवश्यकतानुसार। ज़िला में हम लोग के यहाँ दो इम्पॉर्टेंट क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, एक अल्पसंख्यक छात्रावास है और एक जन नायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा छात्रावास है, दो जगह बनाए गए, उसमें लगभग 30 मरीज हैं अभी। उसमें कुछ डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ शाम तक होंगे, जिन लोगों की 14 दिन क्वारंटाइन पूरा हो गया है। मैं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PT टुट्टी, जबकि इस समय में पूरा विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ है, एक डॉक्टर होने के नाते अभी इमरजेंसी के दौरान भी, मैंने इमरजेंसी पेशेंट को हम देख रहे हैं, जो दूर से चले आते हैं, जो इमरजेंसी है, और अभी की स्थिति को देखते हुए पेशेंट से दूरी बनाए रखते हैं और पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं कि आप दूरी बना करके रखिए। हर तरह से इस संबंध में उनको एडवाइस दिया जाता है, चप्पल खोल करके गार्जियन को बाहर रखते हैं, पेशेंट एक पेशेंट को देखते हैं और आगे के लिए भी उनको एडवाइस करते हैं कि वो अपना ख्याल करेंगे कि वो इस समय में हर तरह से वो सही रहें। देखिए, परेशानी तो कोई ख़ास नहीं है, बस लोगों के को डर है कि दिक्कत होगी हमें कोरोना का,
लेकिन जो जिस प्रोफेशन में हम हैं तो हमारा काम ही है इलाज करना। हम तो प्राइवेट डॉक्टर हैं, चाहे तो अपने घर में भी रह सकते हैं, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो तो काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास भी लिमिटेड फैसिलिटी है, तो जो हमारा तो टेलीमेडिसिन से भी हम काम चला रहे थे, लेकिन जो पेशेंट इमरजेंसी है जिसका घर पे इलाज नहीं हो सकता है तो उसके लिए हम क्लिनिक में बैठते हैं, जो इमरजेंसी आता है उसको देखते हैं। यदि हम भी ना देखेंगे तो फिर कैसे होगा? हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल पर इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया है और प्राइवेट रोज़ मधेपुरा में एटलीस्ट 500 प्राइवेट डॉक्टर्स देखते हैं, सारे मिला के हम बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी होगा। और ख़ास के लेडी पेशेंट ज़्यादा होती है, गर्भवती ज़्यादा होती है, किसी को खून जा रहा है तो उसका इलाज मोबाइल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता है और सरकारी अस्पताल की लोड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी डॉक्टर कम है तो कैसे इलाज करेगा, तो प्राइवेट की तरफ वो लोग मूव करते हैं। तो इसीलिए हम बैठे हुए हैं कि ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, चलो थोड़ा देख लेंगे, कुछ तो हमारे से लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि समाज के पैसे से ही हम पढ़े हैं, जो समाज ने टैक्स पे किया है, सरकार ने उसी पैसे से मुझे पढ़ाया, तो ये हमारा सोसाइटी को पे बैक करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। मैडम, जो लोग आपके पास इलाज कराने के लिए आते हैं आप उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, एक तो हम सबसे पहले जो कोरोना के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। एक्चुअली इमरजेंसी ही है तो बहुत कम पेशेंट आते हैं तो सबको दूर दूर बैठाते हैं। पीपी किट तो है नहीं, फिर भी जो लिमिटेड चीज़ से हम लोग अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं करते हैं। हम लोग अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं, कोई बाहर का हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं, ऐसा हिस्ट्री लेके हम लोग मरीज रखते हैं। ऐसा कोई डाउट लगता है तो हम लोग उसको सदर अस्पताल भेजते हैं या जहाँ पे भी है, जो भी इसके लिए ऑथराइज लोग हैं उनको फ़ोन करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, क्योंकि हमारी सरकार एक्टिव है, हमारी पुलिस एक्टिव है, हमारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर एक्टिव है, लेकिन उतना हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो इमरजेंसी आता है करते हैं, सैनिटाइजेशन का जो है वो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ले रहे हैं, लोगों को कुछ काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि घर में रहो, सड़क पर मत निकलो, बार बार हाथ धो, खांसी बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलो, बस यही कर रहे हैं और क्या करें। मैं डॉक्टर प्रियंवदा प्रियदर्शनी, रधि यादव हॉस्पिटल। हम लोग अभी इस विकट परिस्थिति में जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मेरे प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ तो ब्लीडिंग की पेशेंट्स आएंगी, डिलीवरी की मरीज हैं तो उन सबको हमें देखना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जो COVID-19 इन्फेक्शन्स है इसके लिए बचाव भी करना है। तो हम लोग अभी जो भी मरीज आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बिठाते हैं उन लोगों को, हाथ पैर धुलवा कर तब बुलवाते हैं उन्हें, हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद मास्क लगाने को कहा जाता है उन्हें, मास्क नहीं रहने पर मास्क दिया जाता है। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की जाती है उनकी, उसके बाद उनका जो भी उनकी परेशानी है उसके अनुसार उनका इलाज होता है और उनको जो भी अभी जो विकट परिस्थिति है उसके लिए उन्हें क्या एहतियात बरतना है इन सब की भी जानकारी दी जाती है। और अगर कोई मान लीजिए बुखार है किन्हीं को या सर्दी खांसी है तो इसके लिए प्रॉपर उन्हें समझाया जाता है कि उन्हें और क्या ख्याल रखना है और कहीं परेशानी बढ़े तो तुरंत कंसल्ट करना है या उन्हें बताना है कि कैसे ये बीमारी मुझे भी हो सकती है, मेरे द्वारा दूसरों को भी फैल सकती है तो, या किसी मरीज़ के थ्रू मुझे हुआ तो, इस चीज़ों का ख्याल रख के हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई मरीज़ आपके पास पहुंचता है तो पहले उसका हिस्ट्री लिखते हैं? ज़रूर, सबसे पहले हम लोग जैसे कि वो आ रहे हैं तो हाथ पैर धोना, हाथ सैनिटाइज करना, थर्मल स्क्रीनिंग करना, ये करते हैं। उसके बाद अभी जो एक महामारी चल रही है इसके बारे में उन्हें जानकारी देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये परेशानी तो उन्हें नहीं है। हाँ, ये इसके साथ ये ज़रूर बोलते हैं कि इससे डरना नहीं है, एहतियात बरतना है, सावधान रहना है, डरना नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ ये पूछने पर कि आपको बुखार है, सर्दी खांसी है, लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को उनको समझा कर हम लोग भेजते हैं। एक्चुअली है क्या कि लॉकडाउन एक दो दिन का होता तो चल जाता काम, लेकिन अभी लंबा चल रहा है और जनरल ओपीडी तो नहीं देख रहे हैं। फिर जैसे कि हमारे यहाँ गायनी का पेशेंट आ गया, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे में देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम लोग बंद रखेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, फिर परेशानी होगी सबको, इसलिए चला रहे हैं। किस तरीके से इसका पालन कर रहे हैं? बस जैसे लगता है कि किसी को एकदम से इमरजेंसी है, देखना ज़रूरी है, तो हमको कॉल किया जाता है, फिर आके हम देख लेते हैं और बस जनरली नहीं देख रहे हैं, जनरल ओपीडी को अभी नहीं देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रियंका यादव।
देखिए, इस वैश्विक महामारी में जहाँ अधिकांश डॉक्टरों की क्लिनिक बंद रहती है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे इलाज करा चुके हैं, उनके लिए तो हमें अपना कीमती वक्त निकल के देना ही पड़ेगा। और मेरा यह कोशिश रहता है कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के बावजूद हम एक नियत समय दे के लोगों को दूरियां बना के और उसका जो दिक्कत है, उनकी जो परेशानी है, परेशानी को हमको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम अपने यहाँ पेशेंट आने से पहले बाहर में हैंडवाश की व्यवस्था रखे हैं, मोटर लगवा के साबुन की व्यवस्था रखे हैं, उसके बाद ही लोगों को अंदर बैठाते हैं और दूरियां बना के बैठाते हैं। और सप्ताह में 4 दिन जो हैं हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो हमको कांटेक्ट करते हैं फ़ोन से कि मुझे दिक्कत है, मुझे आपसे मिलनी है, तो उनको हम समय दे देते हैं। सप्ताह में 4 दिन किसी तरह से समय निकाल के एक समय निश्चित समय में उनको आना है, उस समय आके हम देख लेते हैं। परेशानी भी होती है? परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी मेरी अपना कर्तव्य तो होता है, जो डॉक्टर धर्म होता है, डॉक्टर धर्म को निभाना है ना। कहीं ना कहीं हम सरकारी तंत्र से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ भी जाते हैं, उसके बावजूद जो मुझे समय मिलता है, इसके लिए अपना यहाँ पे लोगों की सेवा में प्रयासरत रहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर BN भारती। एक तो सरकार की तरफ से और आप लोग की तरफ से, मीडिया वालों की तरफ से भी उसके लिए जागरूकता अभियान तो चला हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ उसको जो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको सामाजिक दूरी हम लोग कहते हैं, उसको बताते हैं। फिर उसको यहाँ हाथ पैर धोना है, सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाता है कि सैनिटाइज करके आइए और कम से कम आदमी आइए, ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत दिक्कत लगे तब, और कम से कम चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि हमसे ज़्यादा उसको खतरा है कि हॉस्पिटल एक ये सोर्स बन सकता है कि यहाँ किसी एक को है तो दूसरे को हो। तो भरसक कोशिश करते हैं कि हर तरह का कहिए कि प्रयास करते हुए कि उसको जल्दी से जल्दी इलाज करके चले। सर, आपको सुनना है? डॉक्टर आलोक कुमार क्या देखते हैं सर्जन? ये तो है, कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में एक महामारी की तरफ फैली हुई है ये, फिर भी हम लोग डॉक्टर हैं और आप लोग की मीडिया के थ्रू या सरकार के थ्रू हम लोगों को एक जो कोरोना वॉरियर की उपाधि दी गई है, उसके संदर्भ में हम लोग चाहते हैं कि उसी तरह मरीज के लिए कुछ काम करें। हम हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, खास करके मेरे यहाँ जो मरीज आता है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उसको देखना ज़रूरी है। और महामारी के चलते हम लोग प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, कोशिश करते हैं कि मरीज़ के साथ टूटा हुआ है तो मरीज़ के साथ तो एक दो आदमी उसके सपोर्ट के लिए आना ज़रूरी है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम आदमी आएँ, इसको जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोशिश करते हैं मरीज़ देखें तो हम सिर्फ मरीज़ को चैम्बर में बुलाएँ या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और मरीज़ को जब आते हैं तो हमारे जैसे क्लिनिक के बाहर ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ पर हाथ पैर धोना है, साबुन हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, सैनिटाइज़र का व्यवस्था किए हुए हैं। हम अपने स्टाफ को, कंपाउंडर को भी बोले हुए हैं कि जो भी मरीज़ आता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और उसको चैम्बर में लाना है, और हम लोग दवा लिखते हैं, दवा भी लेता है मरीज़ डिस्टेंसिंग के अनुसार, और फिर अपना घर जाता है। लेकिन मैं मरीज़ को कहना चाहूँगा जो आते हैं घर से, वो भी रास्ते में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम आदमी घर से बाहर निकलें और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो फ़ोन नंबर की व्यवस्था की गई हुई है हमारे डॉक्टर की तरफ से, आप फ़ोन पर भी सलाह ले सकते हैं इसके लिए। मेरा नाम डॉक्टर PK मधुकर, हड्डी रोग विशेषज्ञ मधुपुर। मेरा काम ही है इलाज करना, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। पेशेंट आते हैं तो इलाज तो करना ही पड़ता है ना, इलाज तो करना ही होगा। अपनी तरफ से क्या सलाह देते हैं जो इलाज करने आ रहे हैं मरीज? अभी का जो माहौल है उस हिसाब से उनको बताना पड़ता है, पहले ही से गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि भाई थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें, लाइन बना के थोड़ी दूरी पर पुर्जा कटाएँ। गार्ड को इन्फॉर्म है कि भाई आप डिस्टेंसिंग करके डॉक्टर तक पेशेंट को पहुँचाएँ, और फिर उनको भी बताया जाता है कि भाई आप घर में भी डिस्टेंस बना के रखें, साफ़ सुथरा रहे, हाथ मुँह धोए, और जितना से कम हो घर से निकले, ज़रूरत अगर है तभी आप घर से बाहर निकले। कितनी मरीज की संख्या रहती है एक दिन में, आप लोग तो देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, लॉकडाउन के पहले तो 700, 800, 900 की संख्या थी टोटल,
और अभी शनिवार से फिर ओपीडी बीच में कुछ कोरोना वायरस को लेकर ओपीडी बंद हो गई थी, क्योंकि इमरजेंसी सेवा और COVID-19 की जांच हो रही थी। और फिर शनिवार से सरकार के आदेशानुसार जो ओपीडी स्टार्ट हुई है, तो अभी शनिवार को 50 था और धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर गजनफर अली। मधेपुरा लाइव न्यूज़ वो सारी खबरें आप तक पहुंचाता है। अगर आप हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें, हमारे Facebook पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।